सबसे पहले हम देखें कि आईपी हेडर को जो भी हमारा डेटा सेंड होता है सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए हमारे लेयर थ्री पे किस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को ऐड करके हमारा डेटा सेंड होता है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे हमारे आईपी हेडर में होते हैं। ठीक है, वो ओएसआई मॉडल हो गया था? नहीं सर, अभी ओएसआई मॉडल नहीं हुआ है? नहीं नहीं श्योर ओएसआई मॉडल या तो स्टार्टिंग में हो गया होगा शायद जब वो लोग बच्चे वो बच्चे भी थे ना सब लोग। जी हाँ, उसमें हो गया था ये ओएसआई मॉडल। पता नहीं प्रोटोकॉल्स वगैरह बताओगे ना हर लेयर पे कौन सी होती है? हाँ, या क्या बताओगे मतलब ओएसआई लेयर? ओएसआई में जो हमारे 7th लेयर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर, मतलब उनमें सिर्फ उनकी बेसिक डेफिनेशन बताओगे या मतलब हाँ, प्रोटोकॉल? बेसिक डेफिनेशन। हाँ फिर वो तो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू कर। अरे यार क्या सीन है ये, बस सर रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, क्या मैसेज आ रहा है। तो आज हम लोग पैकेट फ्लो करने से पहले सबसे पहले हम आईपी हेडर को देखेंगे कि आईपी हेडर में इंफॉर्मेशन किस टाइप से ऐड होती जाती है, और ये आईपी हेडर हमारे लेयर 3 पे यूज होते हैं नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि वहां पे हमारे आईपी यूज होते हैं। तो इस टाइप की ये हमारे आईपी हेडर होते हैं, और आईपी हेडर हमारा 20 बाइट का होता है। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, स्क्रीन दिख रही है। तो देखिए आईपी हेडर में जो हमारे फील्ड होते हैं ये 5 फील्ड यूज होते हैं, और सभी फील्ड हमारे 32 बिट के होते हैं, और सभी फील्ड बिट जो होते हैं वो अलग अलग डिफाइंड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो फील्ड में हमारी यूज होती है ये वर्जन होती है, वर्जन हमारे 4 बिट की यूज होते हैं। वर्जन फील्ड ये हमको बताता है कि हम आईपी का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, IPv4 या IPv6। ठीक है, हेडर लेंथ, हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। ठीक है, हेडर लेंथ हमको ये बताता है कि हमारी आईपी हेडर कितने लेंथ की है, उसकी साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 20 बाइट की हेडर लेंथ है, ये हेडर लेंथ में आएगा। सेकेंड हमारे पास आता है टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस में हम किस टाइप की सर्विस को यूज कर रहे हैं, वो क्वालिटी क्या यूज कर रहा है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को बताता है। और 8 बिट यहाँ पे हमारी यूज होते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस में। 3 बिट हमारे CWN के लिए कंजेशन विंडो नोटिफिकेशन, और 3 बिट हमारे ECN के लिए यूज होते हैं, और 2 बिट हमारे ड्रॉप ट्रेसिंग डेट के लिए यूज होते हैं। ये 8 बिट अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं हमारे। इसके बाद आता है हमारा 16 बिट का टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमको ये बताता है कि हमारे हेडर की साइज प्लस हमारे डेटा की साइज ऐड करने के बाद ये हमारा टोटल लेंथ होता है। ठीक है, सेकेंड फील्ड में हमारे होते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन फील्ड हमको ये बताता है कि जो हमारा फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म हुआ है, फ्रेगमेंटेशन वो होता है किसी भी डेटा का अगर सेगमेंट हुआ है, जैसे हमारा एक डेटा है 1500 बाइट से ज़्यादा है, ठीक है, उस डेटा को एक बड़े डेटा को छोटे छोटे डेटा में डिवाइड किया गया है, वो हमारे लेयर 4 पे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन होने के बाद जो फ्रेगमेंट बनेगा लेयर 3 पे, वो फ्रेगमेंट हमारा किस डेटा के लिए है, किस पैकेट के लिए है, उस चीज को आइडेंटिफाई करता है हमारा आइडेंटिफिकेशन फील्ड। और यहाँ पे हमारे 3 बिट यूज होते हैं, नल बिट, डोंट फ्रेगमेंट एंड मोर फ्रेगमेंट। ठीक, नल हमारा अगर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है उसके लिए यूज होगा, और साथ ही साथ डोंट फ्रेगमेंट भी हमारा यूज होगा। मोर फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेशन अगर और होगा उसके लिए हमारा यूज होगा मोर फ्रेगमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट का काम है कि जो भी हमारा फ्रेगमेंटेशन रिसीव हुआ है वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में हमारा रिसीव हुआ है, वो अरेंज करने का काम करता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा
टाइम टू लिव, टाइम टू लिव को हम TTL भी बोलते हैं। TTL हमारा जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं तो TTL वैल्यू ये हमको बताती है कि हम कितने लेयर 3 डिवाइस को क्रॉस कर रहे हैं, हाउ मेनी लेयर 3 डिवाइस इट विल क्रॉस। और ये हमारा TTL वैल्यू और विंडोज के लिए 255 यूज होता है, ठीक है। और राउटर के लिए हमारा सॉरी विंडोज के लिए 128, राउटर के लिए 255 एंड लिनक्स के लिए 64 यूज होता है। तो ये जितने लेयर 3 डिवाइस को ये क्रॉस करेगा वो TTL को डिक्रीमेंट उनसे करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल फ्रीडम को ये बताते हैं कौन से प्रोटोकॉल को हम यूज कर रहे हैं आईपी हेडर पे। जैसे हमारा पिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा ICMP प्रोटोकॉल यूज होगा, या राउटिंग प्रोटोकॉल को अगर हम यूज कर रहे हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल में RIP है, EIGRP, OSPF, हम कौन से प्रोटोकॉल को हम यूज कर रहे हैं ये प्रोटोकॉल फ्रीडम को बताता है आईपी हेडर में। उसके बाद आता है हमारा हेडर चेकसम, हेडर चेकसम हमारा यूज होता है एरर को फाइंड करने के लिए, ये एरर डिटेक्शन पे हमारा हेडर चेकसम यूज होता है, ठीक है। सोर्स आईपी, खुद की आईपी, डेस्टिनेशन आईपी जहाँ पे हमको डेटा को सेंड करना है वो हमारी डेस्टिनेशन आईपी होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर है आईपी हेडर सर। इसमें TTL का थोड़ा और सिग्निफिकेंस बताओगे, मतलब वो 1-1 कैसे होती है? जैसे कि हम लेयर 3 डिवाइस जो हमारे राउटर्स होते हैं वो जितने राउटर्स को क्रॉस करेगा जो भी हमारा डेटा सेंड हो रहा है वो डिक्रीमेंट कर देता है एक से। ये मैं प्रैक्टिकल्स में करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो चीजें बस इतना याद रखिएगा, ये जितने भी लेयर 3 डिवाइस को क्रॉस करेगा हमारे राउटर्स को वो डिक्रीमेंट करता चला जाएगा 1 से, ठीक है। और ये हमारे लेयर 3 लूप को अवॉइड करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि हमारा कोई नेटवर्क लेयर पे अगर हमारा कोई लूप बन जा रहा है उसके लिए भी ये हमारा यूज होता है, ठीक है। TTL, जब हमारा TTL 0 हो जाएगा तो हमारा जो भी लूप बना हुआ है वो ड्रॉप हो जाता है, वो पैकेट को ड्रॉप कर देता है वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे भी हमारा ये TTL यूज होता है। मतलब अगर नेटवर्क में आपस में ही जब वो सपोज TTL भी हो रहा जी, जैसे कि हमारे दो राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनका कुछ ब्रेकेज हो गया। हाँ, जैसे कि हमारा जो TTL स्टार्ट होगा राउटर के लिए वो 255 से स्टार्ट होगा। तो एक सिनेरियो में बना के दिखा देता हूँ। 255 स्टार्ट हमारा जो होता है वो 255 से होता है, वो जब भी हमारे लेयर 3 डिवाइस को क्रॉस करेगा वो डिक्रीमेंटेड बाय 1 करता है। जैसे हम एक छोटा नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारे दो राउटर हैं और ये दोनों राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस वे में ये कनेक्टेड है, ठीक है। जो भी अब ये इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा ये TTL 255 करके सेंड करेगा, इसके पास आएगा तो ये 254 पे रिसीव होगा। जब ये सेंड करेगा 253, अगर लूप बना है 253, 252, इस वे में ये 1 तक अगर इसके पास आ रहा है उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा डेटा, तो वहाँ पे हमारा लूप फ्री हो जाएगा, ये टोपोलॉजी हमारी लूप फ्री हो जाएगी। फिर अगर लूप बनता है तो ठीक है, तो वहाँ पे ये हमारा यूज होता है। एक छोटे सिनेरियो पे समझिएगा, मैं सिर्फ मैं इसको TTL को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सभी कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज के लिए टेंशन ना लीजिए, सभी चीजें आपको बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
यहाँ पे हमने आईपी एड्रेसिंग दोनों राउटर पे कर दिया। अब देखिएगा शॉल नन एडिट फिल्टर, ठीक है, मैं आईसीएमपी पैकेट को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं राउटर्स में पिंग करूँगा, इस राउटर्स में पिंग करूँगा, यहाँ पे TTL क्या है 255, ठीक है। तो फर्स्ट पैकेट इस वजह से हमारा ड्रॉप हुआ। अब सेकेंड हमारा एक चीज तो दिखाने में ये हमारा आईपी हेडर है, ठीक है। वर्जन फील्ड हमको ये बताता रहे हैं कि हम आईपी का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ये हमारा हेडर लेंथ है IHL, ये हमारा टाइप ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को हम बोलते हैं। ये हमारा टोटल लेंथ है TL, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन फील्ड है, ठीक है। ये हमारे डोंट फ्रेगमेंट मोड फ्रेगमेंट, ये हमारे फ्लैग की फील्ड है जिसमें हमारे डोंट फ्रेगमेंट मोर फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये देखिए। और ये हमारा TTL वैल्यू है और ये प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल 0x1 का मतलब है ICMP, ICMP का प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है। तो ये प्रोटोकॉल नंबर हमको बता रहा है। चेकसम हमारा यूज हो रहा है एरर डिटेक्शन के लिए। और ये हमारी सोर्स IP, ये हमारी डेस्टिनेशन IP, ठीक है। अब मैं पैकेट को अगर सेंड करता हूँ तो ये देखिए दूसरा पैकेट ये ICMP का जनरेट हुआ। यहाँ पे TTL वैल्यू क्या है 255। जब ये दूसरे राउटर के पास जाएगा यहाँ पे जब देखेंगे आप TTL वैल्यू ये 254 रहेगा। यहाँ पे इनबाउंड में जब ये रिसीव किया तो ये उसका वैल्यू है। अब ये आउटबाउंड में जब रिप्लाई देगा उसके लिए अब ये है TTL, ये अभी भी 255 ही दिखा रहा है। ये ऐसा क्यों भी 255 ही दिखा रहा है। यही चीजें पैकेट ट्रेसर, प्रॉब्लम यही आती है पैकेट ट्रेसर पे, आउटपुट हमको सही नहीं दिखता है। तो इस चीज का मैं एक दूसरा मैं प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा। पहले ये बताइए ये चीज समझ में आया TTL का पहले, फिर मैं इस चीज को। हाँ, बात तो समझ आ गई, बट ये एक लूप कैसे हुआ ये राउटर 1 और राउटर 2 के बीच? देखिए लूप जब बनेगा कुछ टाइम की तो वहां पे हमारा जैसे कि लूप अगर कोई बन जाता है तो लूप बनने का एक रीजन है। जैसे मैं इस लिंक पे हमारे कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया। सपोज आपने कहा इसमें लूप बना हुआ है राउटर 0 से राउटर 1 सीधा सीधा नहीं, जा रहा है। नहीं मतलब बना नहीं है तो, जैसे अगर वो लूप बने तो, अच्छा लूप बनेगा तो वहां पे मैं इसी बोला। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे लूप नहीं बना तो शायद वैल्यू इस वजह से कम ना हुई। मतलब अगर इस राउटर एक और अगर राउटर 2 और बनाना और फिर पास करना तो क्या पता TTL वैल्यू माइनस होके जाए। मतलब एक राउटर 3 और ले लो वो माइनस डिक्रीमेंट वर्क करेगा, ये देखिए। हाँ यहाँ पे तब एक डिक्रीमेंट करके सेंड करेगा। हाँ तब करेगा ना। हाँ तो यहाँ पे हमको राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ राउटिंग प्रोटोकॉल को भी मैं चला दूंगा। Enable Configure Configure Interface, ठीक है। IP address मैं दूसरे नेटवर्क की IP ले रहा हूँ 2.2 No shut यहाँ पे एडिट करता हूँ राउटर या GRP1
reached out IP address. हेलो जी, याद है अननोन आईपी एड्रेस में रिजर्व्ड आईपी एड्रेस 0.0.0.0. हां हां हां, देखिए मैं यहां पे 0.0.0.0 ही यूज कर रहा हूं. इट मींस ये हमारे किसी नेटवर्क को नहीं जानता है, सिर्फ मैं इस नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूंगा सभी राउटर पे, तो ये आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे. मैं ये राउटर 3 पे किया हूं, सेम आज मैं राउटर 2 पे करूंगा, तो इस पे हम दूसरे इंटरफेस पे आईपी असाइन कर देते हैं. इंटरफेस f0/2. सेट जीरो का भी एडवर्टाइज किया हूं, फिर भी हमारी नेबरशिप अप आ गई है. ठीक है, उसके बाद ये हमारा राउटर है, इस राउटर पे भी हम इंटीग्रेशन कर देते हैं. पहले TTL वैल्यू हम देख लेते हैं, ये 255 है. ठीक है, अब हम राउटर 2 के पास सेंड करते हैं. जब राउटर 2 के पास ये रिसीव हुआ, इनबाउंड का ये है. ठीक है, जब ये रिसीव हुआ यहां पे ये 255 है. अब आउटबाउंड का देखिए, अब ये क्रॉस कर रहा है. ठीक है, तो ये 254 हो गया, देख रहे हैं. वही ना, पिछली बारी राउटर 2 नहीं था तो इसी वजह से ये क्रॉस नहीं कर रहा था, वो उसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा था. ये क्रॉस करेगा तब. ठीक है, तो डिक्रीमेंटेड बाय 1 करता है ये, क्योंकि अब ये आउटबाउंड के लिए सेंड कर रहा है, तो ये क्रॉस करेगा. इस राउटर पे भी हमारा 254 ही रहेगा इनबाउंड में. ये देखिए इनबाउंड में 254, अब आउटबाउंड में अब ये अपना पैकेट जनरेट कर रहा है, तो ये 255 क्योंकि वो वहां से रिप्लाई करेगा ना. अब यहाँ पे जब ये रिसीव होगा तो 254 हो जाएगा फिर से. इस वे में ये हमारे कम्युनिकेशन होते हैं. अगर यहाँ पे कोई लूप, अगर सपोज कीजिए अगर कोई लूप बन जाता है, तो ये जब वन हो जाएगा हमारा, वन होने मेरे का ऑटोमेटिक लूप उस केस में बनेगा ना, अगर सपोज राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में कनेक्शन टूट जाती है और फिर भी हम राउटर 0 से राउटर 2 ही डेस्टिनेशन देते हैं. नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं, जैसे कि कोई कंजेशन हो गया. ठीक है, कंजेशन होने की वजह से वो हमारे डेटा ना पहुँच के, ठीक है, बग, जिसको हम लूप फ्री लूप ही बोलते हैं उसको, कि वो हमारा डेटा उसी पे रुका रहेगा. ट्रांजिट तो दिखाएगा लेकिन वो हमारे एक्चुअल में डेटा पहुँच ही नहीं पाएगा, तो वो हमारा होगा लूप. ठीक है, सेम इंटरफेस पे मल्टीपल राउटर्स से डेटा आ सकता है, सेम इंटरफेस के मल्टीपल राउटर से. हाँ, जैसे कि किस टाइप से आप कनेक्ट करेंगे. नहीं होता ना सेम इंटरफेस, तो फिर कंजेशन होगा कैसे? कंजेशन ऐसे होगा, जैसे आप यहाँ पे मैं एक स्विच को मैं यूज कर रहा हूँ. ठीक है, और स्विच पे हमारे मल्टीपल एंड डिवाइसेज हैं, अब वो कंटिन्यू अपना डेटा सेंड कर रहा है, तो कंजेशन हो सकता है. और यहाँ पे भी हमारे स्विच हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, एक ही हमारा लिंक अगर चूज, कंजेशन हो सकता. तो मैं वही तो पूछा था कि एक लिंक, तो उस केस में एक इंटरफेस भी तो एक ही होगा ना.
हाँ एक ही इंटरफेस होगा, उसको सिर्फ एक बारी डिजाइन डायग्राम दिखा सकते हो कंजेशन वाले का, बस उसपे कॉन्फ़िगरेशन मत करना, तो पेन से बना दो या कैसे कंजेशन के लिए। मैं समझा देता हूँ, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक स्विच को यूज कर रहा हूँ, एक स्विच मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और एक स्विच ये हमारा है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे ISP के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये आपस में हमारे तीन डिपार्टमेंट हैं, HR है, सेल्स है, मैनेजमेंट का है। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। HR में सपोज कीजिए कि 200 यूजर हैं, 200 यूजर यहाँ पे हैं और 200 यूजर यहाँ पे हैं। अब ये सब आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे तो इसी लिंक को यूज करेंगे तो कंजेशन हो सकता है, क्योंकि अब ये डेटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। और हम यहाँ पे सपोज कीजिए मैं फास्ट इथरनेट लिंक ना यूज करके मैं इथरनेट लिंक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इथरनेट की स्पीड हमारी 10 Mbps होती है, तो हमारा डेटा सेंड होने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पे कंजेशन हो सकता है। कंजेशन होने की वजह से हमारे डेटा भी ड्रॉप होंगे और वहाँ पे लूज बन सकता है, क्योंकि अब ये डिवाइस क्या करते हैं, ये आपस में एक ट्रैफिक को सेंड करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। सर कंजेशन में अभी भी नहीं समझा, इसमें कंजेशन कैसे होगा मतलब? अब देखिए जैसे यहाँ पे 200 यूजर हैं, इस स्विच से कनेक्टेड है हमारे, इस स्विच से भी हमारे 200 और इस स्विच से भी हमारे 200, 600 यूजर अभी हैं और ये हमारे तीन राउटर हैं। अब ये जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इसी लिंक को यूज करेंगे। अरे तो स्विच भी तो किसी राउटर से कनेक्टेड होगा? हाँ तो स्विच को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसी राउटर से, ये इस वे में। ये इस वे में कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मुझे मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ रहने दो, तो रहने नहीं कॉन्फ़िगरेशन रहने दो, ठीक है। अच्छा अब ये सोचिए कि ये भी हमारे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जब ये आपस में 600 यूजर कम्युनिकेट करेंगे तो कंजेशन होगा कि नहीं होगा? स्विच पे हो सकता है, राउटर पे तो अभी भी स्विच से एक ही लिंक जा रहा है। स्विच पे हमारा एक ही लिंक है, ठीक है। अब जब ये 200 यूजर सेंड कर रहे हैं, स्विच तो हमारा बाईपास कर देता क्योंकि वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। अच्छा स्विच सारा डेटा भेज देगा ना? हाँ तो वही मैं समझना चाह रहा था कि स्विच के वजह से कंजेशन होगा ना, तो स्विच तो हमारा डेटा सभी सेंड कर दिया, ठीक है। अब राउटर के पास आएगा जब, तो राउटर तो अब इसका भी डेटा राउटर के पास आया है और इसका भी आया है। अगर अब ये 400 यूजर इस 200 यूजर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर ये 400 यूजर इस 200 यूजर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो भी हमारा डेटा फॉरवर्ड होगा वो तो हमारे राउटर से ही होगा क्योंकि वो अलग अलग नेटवर्क में है, तो हमारे राउटर से ही हमारा डेटा फॉरवर्ड होगा, तो वहाँ पे कंजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है? यस सर। अब हम यहाँ पे पैकेट फ्लो करेंगे कि हमारा डेटा अगर हम सेम नेटवर्क में है तो किस बिहाफ पे हमारा डेटा सेंड होता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ थ्योरी हैं, थोड़े से बहुत छोटे से हैं, मैं उनको पहले लिखवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ICMP और ARP। ARP का काम है हमारा लेयर टू एड्रेस को फाइंड करना। लेयर टू हमारे कौन से एड्रेस होते हैं? अरे लेयर टू एड्रेस कौन से होते हैं? लेयर टू एड्रेस जी, ये डिवाइसेस एड्रेस सर, लेयर टू एड्रेस मैक एड्रेस। अच्छा लेयर टू मैक एड्रेस को हम लेयर टू एड्रेस भी बोलते हैं और IP एड्रेस को लेयर थ्री एड्रेस भी बोलते हैं।
क्योंकि मैक एड्रेस हमारे लेयर 2 पे वर्क करते हैं और आईपी एड्रेस हमारे लेयर 3 हां लेयर 3 पे वर्क, इसलिए इसको लेयर 2 एड्रेस भी बोलते हैं। तो हमारे लेयर 2 एड्रेस यानी हमारे मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमारा ARP प्रोटोकॉल यूज होता है। इस ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। It is used for MAC address. हमारे MAC address को find करने के लिए use होता है। It work on layer 2.5। कभी भी अगर कोई आपसे ये बोलता है कि ये layer 2 पे work करता है, तो आप कभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लेयर 2 पे वर्क नहीं करता है, या फिर अगर कोई बोले कि ये लेयर 3 पे हमारा ARP वर्क करता है, तो उस चीज के लिए आप बोल दीजिएगा हाँ ये लेयर 3 पे वर्क करता है, क्योंकि ये एक्चुअल में जो वर्क करता है ये हमारे लेयर 2.5 पे ही वर्क करता है। क्यों ऐसा करता है मैं प्रैक्टिकल में करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये लेयर 2 हमारे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बिहाफ पे ये हमारे मैक एड्रेस को फाइंड करता है, इसलिए इसको हम लेयर 2 एड्रेस और सॉरी लेयर 2.5 हेड बोलते हैं, ठीक है? तो सही क्या है, ARP 2 पे वर्क करती है, 3 पे वर्क करती है, दोनों पे वर्क करती है? ये हमारा दोनों पे वर्क करता है, इसीलिए हम इसको भी बोलते हैं 2.5। उसके बाद आता है हमारा ICMP। ICMP stands for Internet Control Message Protocol. ये हमारे layer 3 पे काम करता है। और ये हमारे कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज होता है। चेक द कनेक्टिविटी। विद द हेल्प ऑफ पिंग, ये हमारे पिंग के हेल्प से कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज होता है। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ब्रोकर। पिंग का फुल फॉर्म है पैकेट इंटरनेट ब्रोकर। ये भी हमारा कनेक्टिविटी ब्रोकर, जिसे कि हम कोई पैकेट को सेंड कर रहे हैं तो पैक करके पूरी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। याद है ये ग्रोफर वेबसाइट भी है हमारे पास ऑनलाइन के लिए, वो एसेंशियल सर्विसेज। तो ग्रोफर भी वो क्या करते हैं, सभी सामान हमको पैक करके वो सेंड करते हैं, तो सेम चीज ये भी हमारा करता है। तो यहाँ पे हमारे ये दो प्रोटोकॉल यूज होंगे, ARP एंड ICMP, ठीक है? अब हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो सेम नेटवर्क वाले करेंगे। सर दिखाने क्या फुल फॉर्म थी, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। वो ग्रोपर है, GROPER, ग्रोपर। हाँ ग्रोपर, ठीक है, ग्रोपर ही कर देते हैं क्योंकि कभी मैं सर्च नहीं किया, ठीक है? पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ठीक है? ये हमारे,
हम जो पैकेट फ्लो हम करेंगे वो सेम नेटवर्क में पहले करेंगे कि अगर हम सेम नेटवर्क में तो किस टाइप से हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो एक स्विच को हम यूज करेंगे और हम दो पीसी को कनेक्ट करेंगे। और इसको हम कनेक्ट करते हैं। आईपी एड्रेस भी हम कर देते हैं। डेस्कटॉप पे आके आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे 192.168.1.1। अगर आप सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे जरूरी नहीं है आपके पास, ठीक है। बट अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है आपको डिफॉल्ट गेटवे देना 192.168.1.2। अब हम सिमुलेशन ऑन करते हैं। सिमुलेशन पे पहले क्या होगा, हम यहाँ पे ये देखिए हम दो प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं आईसीएमपी और आर। सबसे पहले क्या होगा, पीसी जीरो पीसी वन के मैक एड्रेस को जानता है? अभी ये बताइए, अभी कोई कम्युनिकेशन इन दोनों डिवाइस के बीच में हुई है? नहीं। तो ये सबसे पहले लेयर टू एड्रेस को फाइंड करने के लिए ARP को यूज करेगा और ARP में ये हमारे मैक एड्रेस को फाइंड करेगा। मैं मैक एड्रेस को कॉपी कर देता हूँ। ये हमारे पीसी जीरो का मैक एड्रेस है और ये मैक एड्रेस हमारे पीसी वन का मैक एड्रेस है। अब मैं पिंग कर रहा हूँ। पिंग करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में आइए और पिंग कमांड को जिस डिवाइस को पिंग करना है उस डिवाइस की आईपी 1.2। तो मैं पिंग किया तो यहाँ पे हमारे दो पैकेट जनरेट हुए हैं। एक पैकेट हमारा आईसीएमपी का, दूसरा पैकेट है हमारा आर का जो ग्रीन में है। ये हमारा ARP पैकेट है, ठीक है, और ये हमारा ICMP पैकेट है। अब ARP पैकेट जो हमारा जनरेट हुआ है वो हमारे MAC एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ईथरनेट हेडर है। ईथरनेट हेडर में ये हमारे 8 बाइट की होती है, ठीक है। अब ये प्रीएम्बल, प्रीएम्बल हमारा एक सीक्वेंसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या अभी पीसी जीरो को पता है? हेलो, नहीं। तो ये ऑल एफ, ऑल एफ का मतलब ये ब्रॉडकास्ट है। ARP हमारा ऑलवेज ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। जब भी ARP पैकेट जनरेट होगा तो ये हमारे ब्रॉडकास्ट के लिए ही होता है, क्योंकि इसको भी नहीं पता रहता कि किस डिवाइस का ये एड्रेस को लेके आना है। उसके बाद सोर्स मैक, सोर्स मैक पीसी जीरो का मैक एड्रेस है, वही है। यहाँ टाइप कोड, टाइप कोड में ये 0x806 ये जो है ये हमारे ARP का है। ये FCS फ्रेम चेकसम के लिए होता है। अब देखिए ARP को लेयर 2.5 क्यों कहा जाता है, अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गई है। सोर्स मैक पीसी जीरो का मैक एड्रेस, सोर्स आईपी पीसी वन की आईपी। देखिए ये मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी लिया हुआ है जो कि लेयर 2 पे यूज होता है, और आईपी एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन लिया हुआ है जो कि लेयर 3 पे यूज होता है, ठीक है। इसलिए इसको 2.5 बोलते हैं, इट वर्क ऑन 2.5। टारगेट मैक हमारा क्या है, ऑल जीरो है, और टारगेट आईपी हमारी क्या है 1.2, कि हम इसको 1.2 का मैक एड्रेस फाइंड करना है। ये सेम है जिस इंफॉर्मेशन के साथ सेंड करते हैं।
एक मिनट दीजिए, तो देखिए अब ये इस इंफॉर्मेशन के साथ अब ये सेंड होगा हमारे स्विच के पास, आर पैकेट जाएगा अब स्विच पे और आईसीएमपी पैकेट ये हमारा यहीं पे होल्ड हो जाएगा। अच्छा होल्ड हो जाएगा स्विच के पास जाएगा जब, तो हाँ वो हमारा होल्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये जब स्विच के पास जाएगा तो स्विच जब इस पैकेट को सबसे पहले ओपन करेगा तो इनबाउंड में जो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन सोर्स मैक की इन्फॉर्मेशन को अपने मैक एड्रेस टेबल में इसकी एंट्री बनाएगा, ये आपको किस इंटरफेस पे ये मैक एड्रेस रिसीव हुआ है, तो F0/1 से ये रिसीव हुआ है तो इसकी एंट्री बनाएगा। डेस्टिनेशन मैक देखा कि ये ऑल एफ है, इट मींस ब्रॉडकास्ट है, स्विच हमारे आईपी हेडर को ओपन नहीं करेगा, तो सिर्फ इतना देखेगा कि ये 806 है, इट मींस ये आरएफ का है, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। आउटबाउंड में सेम इंफॉर्मेशन के साथ ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये हमारा आया PC1 के पास। PC1 सबसे पहले ये ईथरनेट हेडर को ओपन करके देखेगा, देखेगा कि ये हमारा डेस्टिनेशन मैक जो ये ऑल एफ है, इट मींस ब्रॉडकास्ट है। फिर उसका जब ये टाइप में देखेगा तो ये 806, इट मींस वो आर्प का ये पैकेट है, तो ये आर्प पैकेट को भी ओपन करेगा। आर्प पैकेट को जब ओपन करेगा तो उसमें इंफॉर्मेशन देखेगा कि टारगेट मैक हमारा ऑल जीरो है, फिर उसके बाद ये टारगेट आईपी 1.2 है, इट मींस ये PC1 के लिए ही है, तो ये अपना मैक एड्रेस ऐड करेगा और ये सोर्स एड्रेस अब हो जाएगा, क्योंकि अब ये सेंड कर रहा है तो अब ये हमारा सोर्स हो जाएगा। तो सोर्स में देखिए सोर्स मैक एड्रेस किसका है, PC1 का है 6403 और डेस्टिनेशन मैक हमारा PC0 का है, सेम इंफॉर्मेशन के साथ। अब ये आर्प हेडर में सेम इंफॉर्मेशन, सोर्स आईपी खुद की आईपी और डेस्टिनेशन आईपी PC0 की आईपी, ये इस इंफॉर्मेशन के साथ ये स्विच के पास सेंड कर देगा, रिप्लाई दे देगा। जब ये स्विच के पास रिसीव होगा तो सबसे पहले वो सोर्स मैक का एंट्री, जब रिसीव किया तो सोर्स मैक की एंट्री वो बनाएगा अपने मैक टेबल, उसके बाद ये आउटबाउंड में जब ये पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक क्या है 6360, ये हमारे F0/1 के साथ कनेक्टेड है, अपने मैक टेबल में एंट्री चेक करके उस सेंड कर देगा। तो ये पैकेट है हमारे PC0, यहाँ पे हमारा ये आर्प हुआ सक्सेसफुल। अब यहाँ से हमारा सेंड होगा ICMP पैकेट। अब ICMP पैकेट में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन मैक है, सोर्स मैक है यस और नो। तो ICMP हमारा वेस्ट नहीं होता ना, इसका मतलब फिर एक पैकेट नहीं, अगर हम सेम नेटवर्क में कर नहीं वो हम डिफरेंट नेटवर्क में करेंगे तो वो हमारा एक पैकेट ड्रॉप होगा, वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, बट सेम नेटवर्क में वो ड्रॉप नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अब ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन मैक है, सोर्स मैक है और टाइप ये लगा है 800, इट मींस ये ICMP इको रिक्वेस्ट है। और देखिए पीसी के लिए TTL वैल्यू 128 होती है, ठीक है, और राउटर के लिए हमारी 255। अब ये इसी इंफॉर्मेशन के पास स्विच पे है, स्विच को सिर्फ मतलब है लेयर 2 हेडर से, इट मींस ईथरनेट हेडर से, जब वो ईथरनेट हेडर को ओपन करेगा इनबाउंड में रिसीव किया तो डेस्टिनेशन मैक देखा कि 6403, इट मींस ये हमारा 6403 F0/2 के साथ कनेक्टेड है, आउटबाउंड में इसी इंफॉर्मेशन के साथ वो सेंड कर देगा हमारे पीसी के पास आ गया। जब पीसी के पास आया तो पीसी के लिए ही है ये पैकेट को रिसीव कर लेगा इनबाउंड में और उसके आउटबाउंड में इसी के ये रिप्लाई दे देगा। सिर्फ यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक हमारी सोर्स मैक हो जाएगी और डेस्टिनेशन आईपी हमारी अब सोर्स आईपी हो जाएगी, सेम इंफॉर्मेशन को भी ये सेंड कर देगा स्विच के पास। स्विच फर्स्ट प्रोसेस फिर से करेगा, यहाँ पे पैकेट को ओपन करके देखेगा ईथरनेट हेडर पे कि हमारा डेस्टिनेशन मैक क्या है 6360 और सोर्स मैक भी हमारा है, वो इसी इंफॉर्मेशन के साथ ये सेंड कर देगा PC0 के पास, ये PC0 के पास ये रिसीव हो गया, पिंग हमारा ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है।
क्लियर है ये चीज, ये पैकेट फ्लो था सेम नेटवर्क के साथ, ठीक है, ये चीज क्लियर है। हाँ जी।